जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि पीएससी अच्छी है या फिर सिविल पुलिस अच्छी है, उसमें मैंने कुछ चीज़ों को देखते हुए आपको उन दोनों में कंपेयर करके बताया था कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि इन दोनों की जॉब प्रोफाइल क्या है और आपको किसकी जॉब प्रोफाइल पसंद है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी जॉब बेहतर रहेगी। और आप सभी ने कमेंट भी किया, तो आप में से किसी को सिविल पुलिस अच्छी लगती है, किसी को पीएससी अच्छी लगती है, वो आपके चूज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक ऐसी और भी चीज है जो शायद मैंने आपको बताया भी नहीं उसमें, और आपने शायद उसके बारे में हो सकता है अभी तक नहीं सोचा होगा, वरना आप में से कोई ना कोई भाई बहन ऐसा जरूर होता जो कमेंट जरूर करता कि हाँ सर, इसके बारे में आपने तो कंपैरिजन किया ही नहीं। तो मुझे भी वो चीज़ दरअसल याद नहीं थी, वरना मैं उस वीडियो में जरूर आपको बताता। कल मैं ड्यूटी पे था तो वहाँ पर पीएससी के भाई भी थे हमारे साथ में, तो हमारी बात चलने लगी और जिसमें उन्होंने बताया कि भाई पीएससी में ये चीज़ सबसे खराब है। तो मैंने कहा हाँ यार, इस पर तो फिर मैंने विचार ही नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ये चीज़ तब समझ में आती है जब लड़का पीएससी ज्वाइन कर लेता है, उसके पहले नहीं। तो मैंने सोचा हाँ यार, ये बात हो सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको हम पहले से ही वो चीज़ अवगत करा दें, ताकि अगर आपने पीएससी को ज्वाइन करने का सपना देखा है और इस बारे में आपको नहीं पता है, तो एक बार कम से कम आप इसको भी जान लो, और उसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि हाँ, इसके बावजूद भी पीएससी की जॉब प्रोफाइल हमें पसंद है, तो फिर आप उसे जरूर ज्वाइन करें। देखिए, पीएससी खराब नहीं है, लेकिन जो एक और चीज़ है वो भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, और वो यहाँ पर ये हो जाता है कि सर, क्या शादी करने के बाद में हम अपने परिवार को अपने साथ में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर होता है। तो मेरे साथ में जो पीएससी के भाई थे मुझसे यही कह रहे थे कि मैंने जब पीएससी ज्वाइन नहीं किया था तो मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं था कि हाँ, हम अपने फैमिली को अपने साथ में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। वो तो जब हमने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पर अब पता चल रहा है कि हम अपनी फैमिली को अपने साथ में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जिनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य पीएससी में होगा, और अगर उन्होंने अपने परिवार को रखा भी होगा, तो देखो यहाँ पर मैं बता दूं कि क्या दिक्कतें होती हैं, क्यों पीएससी के जो जवान होते हैं या पीएससी के जो भी लोग होते हैं वो अपनी फैमिली को अपने साथ में क्यों नहीं रख सकते, खासकर अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टेबल लेवल की। तो देखिए, पीएससी का काम होता है कि वो आए दिन कहीं ना कहीं घूमती रहती है। ठीक है, 2 महीने यहाँ पर रहेगी, फिर 2 महीने उनका मूवमेंट हो जाता है, वो कहीं दूसरी जगह चली जाती है, जहां पर उनकी पोस्टिंग होती है, जहां पर उनकी बटालियन होती है, वहां पर भी वो ज्यादा दिन तक नहीं रुकते हैं कि वहां पर अपनी फैमिली को रख सकें, ज्यादा से ज्यादा वहां पर भी 2 महीने के लिए रुकते हैं। तो हाँ, हो सकता है कि जब आप 2 महीने के लिए अपनी बटालियन में जाते हैं तो वहां पर आप अपने परिवार को रख सकते हैं, लेकिन केवल 2 महीने के लिए, और हो सकता है उसके बीच में भी आपको वहां से भागना पड़ सकता है। तो बात यह है कि आप जहां भी जाते हैं वहां पर चाहे तो आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि किसी नई जगह पर जाना, केवल 2 महीने के लिए जाना, और उसी 2 महीने में आप पहले अपनी व्यवस्था करेंगे जाने के लिए, और उसके बाद में जब तक रूम ढूंढेंगे, फैमिली को रखेंगे, तब तक पता चलता है कि आपका 2 महीना वहां पर समाप्त हो जाता है। तो इसलिए पीएससी में ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं, ज्वाइनिंग के बाद में आप अपने परिवार को नहीं रख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं सिविल पुलिस की, तो सिविल पुलिस में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जहां भी जाते हैं, अगर आपकी पोस्टिंग किसी थाने पर होती है तो कम से कम आप 3 साल वहां पर रहते हैं, उसके बीच में अगर कहीं आपका ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा रेयर केस में देखने को मिलता है, लेकिन कम से कम आप 3 साल तक वहां पर रहते हैं, और 3 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ में वहां पर रह सकते हैं। तो ये था कंपेरिजन की शादी करने के बाद में फिर क्या होगा, क्या परिवार को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, और इस पर आप सभी के भी कोई कमेंट नहीं आए, मतलब शायद आप सभी लोगों ने इसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया, जो बाद में आगे चल करके यानी कि नौकरी मिलने के बाद में आपके पास सबसे बड़ी समस्या यहां पर हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद में आप डिसाइड करिएगा कि आपके लिए कौन सी जॉब बेहतर है, सिविल पुलिस या फिर पीएससी। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और शेयर करो। जय हिंद।